आज हम जा रहे हैं माखनलाल त्रिवेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कैंपस में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जानकारी दे रहा है यहाँ, कैसी जानकारी चाहिए भैया आपकी? सेवा में सदैव तत्पर। बहुत कुछ मिस कर रहे हैं जो बच्चे नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर एक न्यूज रूम भी बनाया गया है जहाँ पर हम जाके बैठ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। नवी मीडिया प्रौद्योगिकी यानी कि NFT न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी। तो नमस्कार सभी को। आज हम जा रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नए कैंपस में, और इस वक्त जो हम हैं अपने PNT चौराहा है वहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हमने अपनी जो बाइक है उसमें अभी अभी पेट्रोल डलवाया है, ये पेट्रोल पंप है। और अब यहाँ से हम एक रूट तैयार करके मैं आपको बता देता हूँ, फिर सीधे हम यूनिवर्सिटी में ही मिलेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले जाएंगे भारत माता चौराहा जो कि आगे ही है, और वहाँ से फिर सूरज नगर और नीलवर को रास्ता ना लेकर अपन सीधे सूरज नगर के सामने से जो एक रास्ता गया हुआ है वहाँ से सीधा सीधा रास्ता लेकर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय पहुँचेंगे। और फिर वहाँ पर देखेंगे कि नया कैंपस कैसा है, एक भव्य और विशाल कैंपस जो अभी अभी बना हुआ है उसकी पूरी की पूरी हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, और उसमें जानकारी हमें देंगे हमारे साथी। क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई नाम आप भूल गए? नहीं नहीं, बताओ आप बताओ। मेरा नाम हाय गाइस, मेरा नाम रोशन सावर्ण हुआ, और जैसा कि भाई ने बताया कि हम लोग अभी गाड़ी में पेट्रोल लेने आए हुए थे और हम लोग यहाँ से निकलेंगे अभी यूनिवर्सिटी के लिए। फिर नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको दिखने को मिलेगा। खैर, मुझे रोशन भाई का नाम याद था और मैं बड़े ही आदमी मित्र हैं हमारे, लेकिन वो काफ़ी समय से पीछे बैठे हुए थे और कुछ बोल नहीं रहे थे, इसलिए मैंने उनको बोलने के लिए कहा। तो सीधे चलते हैं अब अपन माखनलाल यूनिवर्सिटी की तरफ और देखते हैं कैसा क्या है माखनलाल का नया कैंपस। चलो, वहाँ आपको मिलते हैं नए कैंपस में, नवीन परिसर में। वहाँ के जो भव्य द्वार है वहाँ से आपको डिपार्टमेंट के आगे चलेंगे अगला, तो हम लोग मिलते हैं फिर नए कैंपस में। हेलो गाइस, तो आपने अभी पेट्रोल पंप पे जस्ट कुछ देर पहले हमारी मुलाकात हुई थी और हम लोग अब यूनिवर्सिटी की ओर निकल चुके हैं, और हमारे साथ हैं हमारे साथी सौरभ तामेश्वरी जी जो कि बाइक ड्राइव कर रहे हैं, और इनका जो माइंड डिस्ट्रैक्शन हो जिस वजह से मैंने फ़ोन को अपने हाथ में ले लिया है, और जहाँ तो मुझे बारे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के बाहर यूपी से होते हुए बिहार है जगह है वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस कारण से मुझे इस जगह का ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आगे की जानकारी हमारे सौरभ जी बताएंगे। सौरभ भाई, किस रूट से जा रहे हैं हम लोग अभी? ये हम अभी तो हम हैं अभी हम सैर सपाटा के नीचे से नदी गए वहाँ से जा रहे हैं, और अब अपन आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं घाट की डैम है, डैम है तो अपन भदभदा डैम से सीधे पहुँचेंगे अब सूरज का डैम। अभी जो हमें चौराहा है तो यहाँ पर देखिए ये किस तरफ को जाता है, ये वाला जो एरिया है वो नीलवर की तरफ लेके जाता है, तो नीलवर से भी यूनिवर्सिटी पास है, लेकिन अपन ध्यान देते हुए अपन बिल्कुल बहुत सस्ता चल रहा है अपन, लेकिन यहाँ से ये सूरज नगर चौराहे से इस तरफ को जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये रूट ग्रामीण परिवेश से होते हुए जाता है तो वहाँ का आनंद भी लेते हैं अपन, और यूनिवर्सिटी पहुँचते हुए बड़ा आसान से समझ आता है क्योंकि इस वाले रूट में क्लास के बच्चे होते हैं, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे होते हैं। और बिल्कुल जब इस जगह से कुछ लोग जहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं भी गाँव की जगह से आया हूँ, मैं यहाँ शहर से तो नहीं, तो मुझे अपना को नहीं लगता है कि आज कभी जगह बहुत ग्रामीण प्रवेश से जुड़ा हुआ जगह है। अभी आप देख सकते हैं ना पीछे एक स्कूल जाने के लिए कुछ बच्चे खड़े हुए थे और उनके पिताजी उन्हें छोड़ने आए थे, उन बस लेने आए थे तो वहाँ पर खड़े हुए थे, तो बहुत अच्छा बच्चे भी दिखते हैं। क्योंकि अमूमन होता ये है कि अपन लोग अपने रूमों में रहते हैं तो बाहर की दुनिया अपन ज़्यादा देखते ही नहीं है, कमरे से ऑफिस, ऑफिस से यूनिवर्सिटी, बस इतनी छोटी सी दुनिया अपन ने बना ली है। सौरभ जी, मतलब पुराने कैंपस और अभी नवीन पर्सन हम लोग आए हैं यहाँ पे, हाँ, तो क्या कैसा महसूस करते हो आप, कैसा देखते हो नवीन पर्सन को अपना? देखिए, नवीन
छोटा कैंपस था, वो छोटा परिसर था, तो उसे यूनिवर्सिटी कहते थे, तो थोड़ा सा लोग गलत में मिले जाते थे, छोटी सी यूनिवर्सिटी। लेकिन अब ये जो क्षेत्रफल बड़ा है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एक वो चीज़ें सामने आ रही है, जाते लोग हाँ जाता है बिल्कुल। विश्वविद्यालय है यार, उसमें 1600 कॉलेजेस आते हैं, तो बड़े क्षेत्रफल में होने का एक ही है। दूसरी चीज आप यहाँ पर आके जो देखते हैं कि यहाँ पर विद्यार्थी आ रहे हैं वो बिल्कुल पढ़ने का फुल माइंडसेट चला रहा है। वहाँ पे तो पास में था तो लोग ऐसे मस्ती करते थे आ जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो विद्यार्थी आते हैं तो पढ़ाई की मानसिकता लेकर आते हैं कि यार इतना लंबा जा रहे हैं तो बिल्कुल कुछ काम करना ही है, कुछ पढ़ना ही है। तो ये दो तीन चीज़ें रियलाइज़ करा रहा है। लंबाई थोड़ी ज़्यादा है तो जिनके पास गाड़ी या कुछ वाहन नहीं है तो उनको आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये थोड़ा एक नेगेटिव ओपन पॉइंट मान सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में जाना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा। लेकिन ये जो रास्ता है ये आगे चल के एक तिराहा बना हुआ है, तो अपन सीधे ना जाकर लेफ्ट टर्न लेंगे घुड़ सफारी अकेडमी की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पे श्री चीता हरण खेरापति हनुमान मंदिर विशनखेड़ी है। यहाँ पे तीन रास्ते आए हुए हैं, तो यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है यहाँ। हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो ऐसा ना हो इसको ध्यान में रखते हुए आपकी सहूलियत के लिए हमने ये रास्ता आपको बताया। सामने घुड़सवारी अकेडमी है, सामने घुड़सवारी अकेडमी के पास से ही जो रास्ता गया वो बिल्कुल सीधा रास्ता है, वहाँ से हम यूनिवर्सिटी के पास पहुँचेंगे। ये देखिए मध्य प्रदेश स्टेट जो है घुड़सवारी अकेडमी है, इसका द्वार है और एक विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय है। तो फिर आगे मिलते हैं, नवीन परिसर की ओर बढ़ते हैं। यही रास्ता नवीन परिसर की ओर जाती है और राइट तरफ में हमारा नवीन परिसर दिख जाएगा। और यहाँ से रोशन भाई अपन को दिखने लगा है भव्य और अपना माखनलाल का ये कैंपस कितने परिसर में फैला हुआ है, लगभग 150 एकड़ है ना, ऐसे 50 एकड़ सॉरी 150 करोड़ के आसपास की लागत में 60 करोड़ का आ रहा है, और 50 एकड़ में ये अपना कैंपस के पास इतना लंबा चलना। और आप तो बता दें कि नवीन परिसर में 3 द्वार जो तीसरा नंबर द्वार आपके सामने दिख रहा होगा ये है, जो कि ये पलम कैंपस के अंदर उसका द्वार, और दूसरा द्वार जिससे हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे, और पहला द्वार जो है वो जितने भी यहाँ के इनके लिए पहला द्वार जो होते हैं वो हॉस्टलर्स के लिए है। हाँ, हॉस्टलर्स के लिए है, हालांकि वो खुलता नहीं है क्योंकि जो मुख्य द्वार है अभी वहीं से सबका एंट्री है। यही अपना दूसरा नंबर द्वार जो बीच में पड़ता है वो यहाँ से हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। हालांकि सुनने में आ रहा है कि यहाँ से बिना हेलमेट लगाए प्रवेश करना वर्जित है, चलते हैं फिर बाइक तो शायद बाहर ही लगाना पड़े। पूछते हैं अंकल जी। ये देखिए चलो उतरो। तो देखिए हम माखनलाल के नवीन परिसर में बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, और एक चीज़ जो बहुत अच्छी देखने को मिली यहाँ पर कि जो विद्यार्थी हैं अगर वो हेलमेट पहन के नहीं आया है तो गार्ड भैया अपने बाहर ही उनकी गाड़ी रखवा देते हैं, ताकि जो सुरक्षा है बच्चों की वो बनी रहे। तो अब हम ये मेन जो गेट है यहाँ से पैदल ही अंदर चले चलेंगे और चीज़ें देखेंगे कि अपने नवीन परिसर में ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं। आइए हम आगे चल के भैया से बात कर लेते हैं। रोशन जी अपन भैया से बात कर लेते हैं कि उन्होंने अपन को बाहर क्यों रोक दिया था, फिर वो बताएंगे। उनको काम कर फिर भी अपन एक ये जो सूचना है उसकी तरफ आइए ना, ये बाहर सूचना लगा के रखी है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल विशनखेड़ी उसमें प्रायः पाया गया है कि नो व्हीकल जोन व नो पार्किंग एरिया में 2-4 पहिया वाहन किए जा रहे हैं। ये 2-3 निर्देश दिए हुए हैं, उसमें मेन यही है कि जो पार्किंग है वहाँ पे अगर आप हेलमेट पहन के जाएंगे तो ही आपको एंट्री मिलेगी, वरना आपको यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ी रखनी पड़ेगी। तो अपन भैया से बात करते हैं ना, आइए ना भैया। हम लोगों को रोक दिया था तो क्या गलती थी हम लोगों की? जी, आप हेलमेट नहीं लगाए थे। ये देखिए हेलमेट जरूरी है क्योंकि बेटी के आदेश का हमारी सुरक्षा की तरफ से भी सही है।
बिल्कुल सर। तो सुरक्षा की जो दृष्टि है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। देखिए आज हम लोगों का पहला दिन है तो हमें ध्यान नहीं था कि हेलमेट लेके आना है, तो एक बार हमें टोक दिया है, अब हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अब हेलमेट लाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब आगे चले चलते हैं और देखते हैं कि अपने नवीन परिसर कैसा है और कैसी यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं। तो अब रोशन जी बताएंगे कि कैसा है यहाँ पे व्यवस्था। तो हम लोग यहाँ अभी प्रवेश मुख्य द्वार पे हैं और सामने जो आपको दिख रहा होगा बीच में सेंटर है, वहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी दद्दा का वहाँ पे बड़ा सा प्रतिमा स्थापित होगा जैसा कि सुनने में आ रहा है। और हमारे राइट तरफ जो है एकेडमिक ब्लॉक से आ रहे हैं, सामने आप देख सकते होंगे गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार जो कि बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। और आपको बता दें कि 2022 में 24, 25 और 26 मार्च को 3 दिवसीय कार्यक्रम था चित्र भारती, जिसमें अक्षय कुमार, विवेक अग्निहोत्री समेत कई सारे बड़े एक्टर और डायरेक्टर, राइटर्स, उन लोगों ने इसमें आकर मास्टर क्लास ली और बच्चों के जो डाउट क्वेश्चन थे उसके जवाब दिए उन्होंने। हाँ। और ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा बिल्डिंग लेफ्ट साइड में हमारे, ये एडमिन ब्लॉक है, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी के जो VC वगैरह जो बैठते हैं वो इसी ब्लॉक में बैठते हैं और सामने ऑडिटोरियम है। तो सौरभ भाई, आप इस परिसर का क्या कैसे देख रहे हो कि दोनों तरफ क्यारी लगी हुई है, बागवान, बगीचे, फूल वगैरह सब? बिल्कुल रोशन भाई, देखिए जो हरियाली है वो कहीं ना कहीं हमें स्वच्छ, स्वस्थ और बढ़िया आनंदित वातावरण प्रदान करती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे इस नवीन कैंपस में बहुत ही अच्छे से हर दोनों तरफ हरियाली का ध्यान रखा गया है, बढ़िया अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि जो विद्यार्थियों का एक माहौल जो मिल रहा है, विद्यार्थियों के पॉजिटिव जो अपन कहते हैं कि पॉजिटिव वे में जो हमको लेके जाता है एक वातावरण, ये वातावरण पूरा का पूरा वही है। और इसके बारे में आपने ये जो कैंपस के बारे में बताया था, ये हम एंट्री कर रहे हैं इसमें, ये थोड़ा सा जो आपने पहले बताया था एडमिन ब्लॉक है, यहाँ पर सारे के सारे जो अपने ऑफिशियल वर्क हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो ये एक बार यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा यहाँ से एंट्री होते हुए ये MCU वेलकम्स, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा, और ये दद्दा, और ये पुष्प की अभिलाषा जो कि माखनलाल चतुर्वेदी दद्दा द्वारा लिखा गया है, तो एक बार इसको भी देख लो आप लोग। ये दद्दा की जो हमारे दद्दा की जो पुष्प की अभिलाषा बहुत ही शानदार उनकी कविता थी, वो मुख्य द्वार पर लगाई गई है ताकि हम देख सकें और अपने आप को जो देश के प्रति समर्पित करने का एक भाव लेकर पत्रकारिता लोगों को करनी चाहिए वो उसको दृष्टि में ध्यान में रखते हुए उसको यहाँ पर लगाया गया है। और अब हम सीधा चले चलते हैं अपने क्षेत्र की ओर जहाँ पे अपना सेंट्रल लाइब्रेरी है और सीधे सेंट्रल लाइब्रेरी आपको दिख रहा होगा, सीधे सेंट्रल लाइब्रेरी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो मेरे पीछे है बिल्कुल सेंट्रल लाइब्रेरी है और कुछ दिनों बाद इसका उद्घाटन होने का है कि चालू हो गई है ये सेंट्रल लाइब्रेरी चालू हो गई है, जिसमें लाखों की संख्या में पुस्तकें होने की बात कही गई है। अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुस्तकें हैं। तो सेंट्रल लाइब्रेरी को हम और चले चलते हैं रोशन जी। और ये जो इस तरफ है ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पर लगते हैं। तो ये एकेडमिक ब्लॉक है, ये पूरा एकेडमिक ब्लॉक। ठीक। तो अब हम सीधे सेंट्रल लाइब्रेरी की ओर चले चलते हैं और सेंट्रल लाइब्रेरी में भी जो बातें हैं रोशन जी, अपन उनको देखेंगे कि पहले क्लास में चलते हैं, क्लास में चलते हैं। हम सेंट्रल लाइब्रेरी में ही चलेंगे लेकिन अभी हमारी क्लास होने वाली है स्टार्ट, तो सबसे पहले हम क्लास में चलते हैं। पढ़ाई भी जरूरी है पहले, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। ब्लॉक्स तो बन जाएगा लेकिन पढ़ाई की जो प्रायोरिटी है वो अपने जीवन में रखना। तो देख सकते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में किस तरीके से पूरा गार्डन का खास उधर भाई रास्ता नहीं है उधर से। देखिए हमारे सौरभ भाई भटक रहे हैं अभी अपने परिसर में, इनको पता ही नहीं कि रास्ता किधर से है, नजारा है। बड़ा परिसर, बहुत बड़ा परिसर है ये, इसमें चीजें अगर आप ये ब्लॉक देखेंगे तो आपको जितना बड़ा परिसर है ये उतनी समस्या आपको होगी नहीं, क्योंकि इस ब्लॉग में हम बिल्कुल एक एक बात को बता रहे हैं, एक एक कदम वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ब्लॉक है। बाकी सौरभ भाई अपने बात को रख रहे हैं, आप रखते बिल्कुल 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 जो हम कदम कदम पे बिल्कुल इस चीज को बता रहे हैं। रोशन भाई पूरा कैमरा अपने हाथ में रखे हुए हैं और पूरे कैंपस के बारे में जो बता रहे हैं। तो अगर आप भले ही नए हैं
तो भी ये वीडियो आपको इस कैंपस के बारे में पूरी जानकारी देगी। और ये जो सामने हम देख रहे हैं ये अपना एकेडमिक एरिया है जहाँ पर हमारी क्लासेस चलती हैं। बहुत सारी कितने फ्लोर पे है एक? ये रोशन जी आपका थर्ड फ्लोर पे और है, ये भी थर्ड फ्लोर पे है। ये तीन तीन फ्लोर में बांटा हुआ है इस क्षेत्र को, मतलब आठ डिपार्टमेंट है। आठ क्यों, तीन तीन में छह होंगे? नहीं, आठ आठ है ना, एक ग्राउंड भी है ना। हाँ बिल्कुल, ग्राउंड भी है। ठीक, तो ये जो डिपार्टमेंट है उनके बारे में है। तो अब क्या करें, इसको पैचअप करें? इसको हम पहले अपनी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बता देते हैं, फिर उसके बाद अपन चीज़ों को रख लेंगे और क्लास खत्म होने के बाद अपन इसको फिर से एक्सप्लोर करेंगे। अरे यार, अरे यार क्या नहीं हुआ? नहीं नहीं, हमको लगा कि हाँ हाँ नहीं नहीं, तो रोशन भाई को लग रहा था कि शायद वीडियो बंद है लेकिन वो चालू किए हुए। तो ये देखिए, ये न्यू मीडिया, आप यहाँ से आपको सब कुछ दिख जाएगा। देखो, नवीन पर नवीन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकारिता विभाग और संचार शोध विभाग। संचार शोध मतलब अपना रिसर्च, कम्युनिकेशन रिसर्च। ओके, तो ये हमारे साथी सौरभ जी हैं, इनका ग्राउंड फ्लोर पे है। हाँ। और मैं सबसे ऊपर फ्लोर पे हूँ कम्युनिकेशन रिसर्च डिपार्टमेंट से। फिर मिलते हैं आपसे एक क्लास के बाद। तो ये अब हम आ चुके हैं अपने जो न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है उसके नीचे वाले फ्लोर में। तो यहाँ से अब जो हमारे रोशन भाई है वो अपने मीडिया रिसर्च में चले जाएंगे और मैं यहीं पे रुक जाऊँगा। फिर क्लास के बाद रोशन भाई मिलेंगे और पूरा का पूरा जो एरिया है उसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल, किसी को जैसे शुरुआत में हम दिक्कत हुई थी वो ना हो। तब तक के लिए बाय बाय। और इस वक्त हम आ चुके हैं नवीन मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि NMT, न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी। और नीचे जो ग्राउंड पर ये विभाग बना हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले एक ऑफिस है जहाँ पर विभाग की गतिविधियाँ, विद्यार्थियों को जो जानकारी लेनी होती है वो चलती हैं। उसके पास में जो प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष हमारी हैं डॉक्टर पी शशिकला जी, उनका ऑफिस बना हुआ है। तो उनके ऑफिस के बाजू से ये पूरी की जो गैलरी गई हुई है वो विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। यहाँ पर क्लासेस लगती हैं और हम वहाँ भी चलेंगे, लेकिन हम सबसे पहले चलते हैं अपने ऊपर के डिपार्टमेंट्स की ओर। तो जैसे ही हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो सबसे पहले हम पहुँच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट में। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट में हम आए हुए, तो मेरे पीछे जो है वो यहाँ के SOD का कार्यालय है। मेरा नाम कर लेता हूँ श्रीकांत सिंह जी, माननीय श्रीकांत सिंह जी का ये कार्यालय है। और उसके पास में जो क्लासेस हैं वो पूरी की पूरी हैं। तो यहाँ पे हम राहुल भाई सबसे पहले क्लासेस को देखेंगे कि कितनी क्लासेस बनाई गई हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम ऊपर वाले उसमें चलेंगे। तो आते हैं और ये जो लैब है स्टडी के लिए अलग से व्यवस्था है, और कंप्यूटर लैब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट का लैब। और ये क्लासेस हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जानकारी देगा यहाँ की, कैसी जानकारी चाहिए भैया आपकी? सेवा में सदैव तत्पर। अपन जो एक ब्लॉग बना रहे हैं जिसमें पूरी पूरी डिपार्टमेंट की जानकारी दे रहे हैं। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमृत कुमार है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डिपार्टमेंट है। ये बीजे का क्लास है, बीजे चौथे सेमेस्टर का। ये हमारा क्लास है, ये चौथे सेमेस्टर का MSc इलेक्ट्रॉनिक क्लास नहीं है। और ये था कि जो वहाँ क्लास थी वहाँ AC लगा हुआ था। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, ऐसी ही पूरी क्लासेस आस पास बनी हुई है जिसमें BSc से लेकर MSc तक के विद्यार्थी हैं। और धीरे धीरे बिल्कुल पूरे इत्मीनान से इस पूरे कैंपस को देख रहे हैं हम, पूरी जानकारी आपके सामने है। आइए, हम बाहर की ओर आ चुके हैं और अब यहाँ से जो है हम ऊपर को चलेंगे। हम पूरी क्लासेस तो नहीं दिखा रहे आपको क्योंकि सारी की सारी एक सी हैं, तो जैसे ही आप इस परिसर में आएंगे वो अलग ही समझ में आएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम चलेंगे पत्रकारिता विभाग में। तो एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बहुत पॉजिटिव एक बता रहा हूँ मैं, कि
पिछले जो विकास भवन में हमारी बिल्डिंग थी वहाँ पर कई बार लिफ्ट हमारी दिक्कत कर जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लिफ्ट बिल्कुल नहीं है, बड़े आनंद से बच्चे जाते हैं, बड़े डर के जाते हैं। अभी मैंने ये कमांड दी हुई है, ये लिफ्ट हमारी आती थी और अब इससे हम ऊपर जाएंगे। और ये जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है, तो क्लासेस वही हैं जैसे सारी जगह की, फिर भी हम एक बार घूम लेते हैं कि कैसी क्या चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं यहाँ पर। हमारे साथ जो कैमरे पर हैं राहुल भाई, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बड़े स्टिल, बहुत ही ज़्यादा जो एक स्टिल एंगल जो अपने हाथों से सेट करना चाहिए वैसे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए स्मार्ट क्लासरूम, और यही देखना दिखाने के लिए हमने ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो इस नवीन परिसर में ये हर एक डिपार्टमेंट पे ऐसे स्मार्ट रूम्स हैं जहाँ पर बहुत ही स्मार्ट वे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ये यहाँ से पूरा का पूरा लेक्चर सेशंस जो हम कहते हैं, ये यहाँ से प्रेजेंटेशन और लेक्चर सेशंस वगैरह यहाँ से सारे चलते हैं। और ये प्रोजेक्टर मैं बताना चाहूँगा कि प्रोजेक्टर पूरा का पूरा यहाँ बच्चों की जानकारी देता है। यहाँ से बाहर चलते और भी नई नई चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे और बिल्कुल आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जो नवीन परिसर में नई नई हैं और आपको बहुत अच्छा एक वातावरण प्रस्तुत करेंगे। वही खुला हम जा रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पर मिले तो दुनिया से काफ़ी मिले जिनसे हम जान सकेंगे कि कैसा क्या है, क्या माहौल है यहाँ पे, पुरानी बिल्डिंग में कैसा था और यहाँ पे कैसा क्या चेंज आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो कैंपस है दिल्ली कैंपस के मुताबिक अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यकीनन ये कैंपस जो है बहुत ही अच्छा कैंपस है अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़र से देखें। बाकी हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हमें काफ़ी देखने को मिलेंगी। उसके साथ ही यहाँ पर आपको स्मार्ट रूम भी है, स्मार्ट रूम्स हैं तो आपको वहाँ पर आप प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी हम लोगों का जो सिलेबस है वो न्यू मीडिया जर्नलिज्म के लिए सिलेबस है, उसमें एक अच्छा टॉपिक है कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग को लेकर कि वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कैसे होती है। तो उसमें हम अगर स्मार्ट रूम है तो उसमें और अच्छे से सीख सकते हैं वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कैसे होती है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी। और ये डिपार्टमेंट जो है जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर एक न्यूज़ रूम भी बनाया गया है जहाँ पर हम जाके बैठ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, और हम डिस्कशन कर सकते हैं हर एक न्यूज़ पर। और यहाँ पर अभी हाल में ही एक बहुत ही जल्द एक रेडियो स्टेशन चालू होने वाला है करमवीर नाम का, जिसकी जो रेंज होगी तकरीबन 15 किलोमीटर तक होगी, और एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है वो। यहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जिसके स्टेशन डायरेक्टर आशीष जोशी सर हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस कैंपस में देखने को हमें मिल रही हैं जो पुराने कैंपस में नहीं थी। थैंक यू। वाह, तो आशीष भाई है ना? यस हाँ। तो आशीष भाई ने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी। यही होता है कि जब हम अभी अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो नई नई जो जानकारियाँ हैं वो हमारे साथ में आती हैं। और स्मार्ट रूम के बारे में जितनी जानकारी हमें नहीं थी, स्मार्ट क्लास के बारे में उससे अच्छी जानकारी भाई ने हमें दी। उसके साथ ही जो कर्मवीर रेडियो चालू होने पा रहा है यूनिवर्सिटी के लिए वो है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जैसे नीचे वाली जो बिल्डिंग में थी कार्यालय और साथ में ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है। तो ये है नवीन मीडिया परिसर से सबसे ऊपर के टॉप पर आकर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च, और ये लास्ट फ्लोर है जहाँ पर एक विभाग लगता है, एक पूरा का पूरा रिसर्च का अध्ययन यहाँ पर कराया जाता है। तो इसको हम देखेंगे और उसके बाद जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर जाएंगे। तो आइए अपन चलते हैं मीडिया रिसर्च के इस एरिया में। हमने तो किया लगे बजा नहीं सकती स्मार्ट क्लासरूम। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमारे साथी हैं रोशन भाई, वो यहाँ की जानकारी देंगे। तो रोशन भाई, ये स्मार्ट क्लासरूम जैसा आपने नीचे देखा तो सारे क्लासरूम। अच्छा, और बाकी हमारे क्लासरूम
ये आपका क्लास है ना, यहाँ पर बैठे कंप्यूटर रूम में। ये डिपार्टमेंट लाइब्रेरी है। अच्छा, ये अभी नया कैंपस बनाया है, जो कंप्यूटर लैब का सिस्टम वगैरह लगे कितना व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर हर विभाग के अलग 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 कंप्यूटर लैब है, अलग अलग कॉन्फ्रेंस हॉल है, अलग अलग लाइब्रेरी है हर डिपार्टमेंट से। ये बहुत अलग देखने को मिल रहा है कितना सिस्टम वाला भी पुराना वाला ही है। वो सिस्टम आने बाकी है, बहुत सारे चल रहे हैं यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे क्लासरूम हैं। ये वाला भी अलग ही वो है। और कैमरे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे साथ ही राहुल पाल संभाले हुए हैं कैमरे को और बड़ी नजाकत के साथ चीज़ों को दिखा रहे हैं। तो एक बार धन्यवाद राहुल को भी देना चाहिए कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। और ये यहाँ पर पूरी पूरी जो लाइब्रेरी की व्यवस्था है वो है, सर बैठे हुए हैं और वही चीज़ें व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं कि कैसे इस पुस्तकालय को जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों को प्रारंभ किया जाए। हालांकि ये प्रारंभ तो हो चुका है और बच्चे यहाँ पे लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जो व्यवस्थित तरीका नए मीडिया परिसर में आने के बाद होना चाहिए वो जल्दी ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सर किसी काम में व्यस्त हैं तो हम फिर आएंगे और लगातार मिलते रहेंगे यहाँ के लोगों से और नई नई जानकारियाँ ऐसे विश्वविद्यालय के जो परिसर है वहाँ की देंगे। और वही बिल्कुल सेम तरीका जो यहाँ पे है वो भी है, प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका वर्मा मैम, HOD मैम का ये कार्यालय है और उसके पास में जो कार्यालय है वो पूरी जानकारी विद्यार्थियों के लिए जो भी समस्या आती है कोऑर्डिनेशन के लिए ये है। और ये अब हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर चलेंगे, विभाग थे उनके पास से ही अब हम चलेंगे कैंटीन की तरफ, क्योंकि बहुत समय हो गया रिकॉर्ड करते करते और कुछ खाना भी है। तो चलिए हम कैंटीन की तरफ चलते हैं और देखेंगे कि कैंटीन में कैसी व्यवस्था है। तो चले क्या, ये नई परिसर का ये नई कैंटीन है और कैंटीन को आपको अंदर से दिखाएंगे। आइए, ये देखिए नए चेयर, नई टेबल वगैरह स्टूडेंट बैठे कैंटीन में चाय, बहुत सारे बिस्कुट है, ये बार्ली की बिस्कुट, और ये भैया कैंटीन की जो व्यवस्था है वो पूरी देखते हैं। तो भैया नाम बताएंगे क्या अपना? शशांक भैया है। ये पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है कैंटीन का पूरा मैंने वर्षों से भैया देखते आ रहे हैं और नए वाला कैंपस है उसमें भैया कैंटीन को लेकर आपको कैसा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स ठीक है, कमी आई है। तो अभी हमने पीछे वाला जो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वहाँ के विभागों के बारे में जाना, वहाँ पर NMT डिपार्टमेंट और पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया रिसर्च के डिपार्टमेंट्स थे जहाँ पे अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अब ये सामने वाली बिल्डिंग है, सामने वाली बिल्डिंग में हम चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, कैसी यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और यहाँ पर कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर जाने से पहले एक छोटा सा इंट्रो मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे नीचे जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट यानी कि जनसंपर्क विभाग, विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग, उसके बाद मैनेजमेंट और उसके बाद मास कॉम की जो सबसे पूरा विभाग यहाँ पर लगते हैं और यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं। तो एक छोटा सा इंट्रो वीडियो हम यहाँ पर लेंगे और इस जो ये पूरा का पूरा ब्लॉग है उसको हम खत्म करेंगे। तो जैसा कि न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट था सामने, उसी की तरह ये सामने कार्यालय है, विभागाध्यक्ष जी का ऑफिस है और पूरी की पूरी जो
चीज़ें हैं बिल्कुल वैसी की वैसी सेटल्ड हैं। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी हम देख सकते हैं, यहाँ की जो हरियाली है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वो यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों को एक बेहतर तरीके से एक माहौल प्रदान कर रहा है, जिसमें आकर वो जो चाहे उस तरह से चीज़ें कर सकते हैं, एक पॉजिटिव माहौल कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है और सुपर ही के सारी जगह जो माहौल है वो पूरा का पूरा अध्ययन वाला है, पूरा का पूरा चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला है। और हम एपीआर डिपार्टमेंट में आ चुके हैं, यहाँ पर कैसे क्या क्लासेस लगती हैं उनको हम देखेंगे। आइए हम चलते हैं एपीआर डिपार्टमेंट, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं जैसे और विभागों में थी, तो सबसे पहले जी स्टाफ के लिए व्यवस्था है, यहाँ पर स्टाफ वॉशरूम है, उसके पास में है हेड ऑफ डिपार्टमेंट जहाँ पर डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव जी का कार्यालय है उसके पास, और जो हम पहले देखते हुए आए हैं यहाँ पर एपीआर डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए सहयोग देने के लिए, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन के लिए ये पूरा डॉक्टर का कार्यालय बना है। और बिल्कुल जो परिसर है उसका हर डिपार्टमेंट अपने आसपास बिल्कुल समानता लिए हुए हैं, एक तरह एक सा बिल्कुल यहाँ पर चीज़ें व्यवस्थित की गई हुई हैं। और इसके बाद बिल्कुल बहुत ही छोटा है जो हम आगे वाले डिपार्टमेंट करेंगे, और ये है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट थर्ड फ्लोर पर है, और सबसे पहले जो हम मैनेजमेंट को देखते हैं यहाँ का ऑफिस और HOD का ऑफिस कार्यालय डॉक्टर अवनाश बाजपेयी जी जो यहाँ पर HOD हैं उनका है। और आगे चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ नई देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक नए कैंपस में आने के बाद जो चेंज आया है आप देखिए, सर के ऑफिस में कितना पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है, ऑफिस है, बहुत ही ज़्यादा शार्पनेस के साथ हर चीज़ का ध्यान रखते हुए तैयार किए गए हैं। बिल्कुल नेचुरल लाइट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन विभागों में तैयार की गई हैं। तो ये डिपार्टमेंट है, ये जो हम बात करते हैं लैब, ये लैब नहीं लाइब्रेरी है जहाँ पर हर डिपार्टमेंट के बच्चे अपने हिसाब से अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि अभी लाइब्रेरी धीरे धीरे चालू होती जा रही है अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। और अब सबसे टॉप के विभाग में हम आ चुके हैं जो कि है मास्कॉम, और मास्कॉम में भी बिल्कुल वैसी की ही वैसी चीज़ें हैं। सबसे पहले कार्यालय है जहां पर बच्चे एक कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं चीज़ों को लेकर, और उसके पास जो HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऑफिस है वो है, और सामने हम चीज़ें देखते हैं मास्कॉम में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये सारे विभागों में है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, बच्चों के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ पर, जो प्रोग्राम्स हैं वो और डिस्कशंस होते हैं। तो मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार दिखा दें इस कॉन्फ्रेंस हॉल को कि किस तरीके से बनाया गया और कैसे बच्चों के चीज़ों को देखने के लिए ये पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पर बैठ के आप बड़ी देखिए आप कुर्सियाँ कितनी व्यवस्थित देने लगी हुई हैं, ये बात रखने के लिए माइक्स हैं अलग अलग यहाँ पर बच्चों के लिए और डिस्कशंस के लिए पूरा का पूरा ये अपना विभाग के लिए तैयार है। और अब हम आ चुके हैं माखनलाल के उस महत्वपूर्ण स्थल पर जहाँ पर विद्यार्थियों का जमावड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी है। और ये लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी के बारे में कहा जाता है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर पुस्तकें रखी हुई हैं और विद्यार्थियों को एक बहुत ही शानदार अध्ययन का एक अनुभव देने के लिए, अध्ययन की एक दृष्टि देने के लिए, अध्ययन के प्रति डेडिकेशन बनाने के लिए ये लाइब्रेरी तैयार की गई है, जहाँ पर विद्यार्थी अच्छे खासे अलग अलग विषयों की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो इस नई लाइब्रेरी के बारे में जानकारी देने हमारे साथ हैं। तो
और जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो ये सामने जो मेरे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर अपन बैग रखते हैं सबसे पहले, और हमारे साथ जो बबीता थी उसने अपना बैग जमा दिया है, और अब मेरी बारी है, मैं यहाँ अपना बैग यहाँ पर रख दिया है, और अब हम अंदर जाएंगे कि आगे की जो चीज़ें हैं, जो नई यूनिवर्सिटी की नई लाइब्रेरी है उसमें कैसा क्या है ये देखेंगे। जो पूरा का पूरा एरिया है ये लाइब्रेरी के लिए दिया गया है, और यहाँ से तो यहाँ पर मैगजीन्स और पेपर्स रखे हुए हैं, तो सबसे पहले एंटर करते ही यहाँ पर माँ सरस्वती की प्रतिमा है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा पेपर्स और मैगजीन्स वाला एरिया है। तो अलग अलग पेपर्स यहाँ पर, उसके बाद ये मैगजीन्स, यहाँ से बाहर जाते ही सीधा का सीधा पुस्तकों का एक और पुस्तकों का जो है, पुस्तकों की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर अभी चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं, तो इसलिए हम अंदर गए नहीं हुए थे। तो अगली वीडियो में कभी जब भी हम आएंगे तो आपको उस जगह पे भी लेके जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, लंबी वीडियो हो रही है, तो ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक नॉलेज देगी इस कैंपस के बारे में, और जहाँ भी आपको जाना है उस जगह पर ले जाने में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाली है। हाय गाइस, तो जिस प्रकार से हमारे साथी सौरभ तामेश्वरी ने आपको पूरे कैंपस का निरीक्षण करवाया कि किस तरफ कौन से डिपार्टमेंट है और कैसी कैसी सुविधाएं दी गई है, हमारा प्रयास था कि जितने भी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उससे आपको रूबरू कराए, उसके बारे में आपको जानकारी दे। तो ये जो पूरी वीडियो बनाने में हमने एक अच्छा खासा समय दिया है, और उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो नया कैंपस है, जो 85 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिले, ताकि आप पहली बार आएं तो भी कहीं भूले ना और कहीं परिसर में भटके ना। ये हमारे शांतनु जी हैं, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे कि नवीन परिसर में आपकी कैसी, मतलब क्या कहूँ इसके बारे में। नवीन परिसर काफ़ी अच्छा है सर, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोगों को रहने वहने की सबसे अच्छी व्यवस्था मिली है, और बहुत बस बच्चे कम आ रहे हैं इसका दुख। बच्चे तो कम आएंगे, शायद कारण ये भी हो सकता है कि दूरियां बहुत ज़्यादा हो गई, दूरियां बहुत ज़्यादा हो गई, यहाँ आने जाने की व्यवस्था नहीं है आसपास, मतलब मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, काफ़ी चीज़ें नहीं है, इसीलिए बस थोड़ा बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन हाँ बस अगर बच्चे ज़्यादा हो जाए तो कैंपस बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों को कहना चाहोगे आप जो बच्चे नहीं आ रहे हैं? बहुत कुछ मिस कर रहे हैं जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनिशियल डेज हैं और बहुत अच्छा समय जाएगा अभी। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलकर। बिल्कुल। तो फिर ये हमारे शांतनु जी थे, और अब चलते हैं। ऐसे ही जो चीज़ें एक भाई ने जो हमें बताया कि बहुत अच्छी चीज़ मिस कर रहे हैं बच्चे, तो जो लोग नहीं आ रहे उनको एक बार ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नया कैंपस है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा वातावरण आपको प्रदान कर रहा है, और अध्ययन के हिसाब से और आप प्रैक्टिकल जैसे चलना है जीवन में उस चीज़ को लेकर ये कैंपस बहुत ही अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल एक लाइफ में प्ले करेगा।